व्हाट्सअप का आदेश माना। आज हम फिर से आ गए रेड शैडो की वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए जो लाइक करिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आई ये वो टाइम आ गया है जब हमें हमारा निंजा चाचा मिलेगा। और आप यहाँ देख सकते हैं 7 दिन जो है मुझे पूरे हो चुके हैं। 6 आर्टिफैक्ट्स हमें मिले थे और आई थिंक 6 में से मुझे शायद एक ही ठीक ठाक लगा है। बाकी तो मास्टरिंग मैंने सारे के सारे सेल कर दिए हैं, कोई मुझे खास मिला नहीं था। एटलीस्ट जब ये फ्री में दें तब तो कुछ ढंग का, एकदम स्पीड के बूट्स, कुछ परसेंटेज की चेस्ट। हाँ रैंडम होगा, कुछ लोगों को परसेंटेज मिला होगा, कुछ लोगों को फ्लैट सेट्स की मिली होगी, पर अगर सबको अगर एक सेट ढंग का दे दें तो इनका कुछ चला नहीं जाएगा। पर जो ऐसे भी है आर्टिफैक्ट जो है घटिया से थे। टाइम आ गया है हमारा जो है कलेक्ट करने का निंजा भाई। तो आप यहाँ देख सकते हैं रीच 7 डेज ऑफ प्ले बिफोर 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर तक आपको ये चैंपियन अवेलेबल होगा, उसके बाद आई थिंक गायब हो जाएगा या पता नहीं, कुछ तो होगा ही। और स्किल्स की बात करेंगे, और मुझे एक चीज़ नोटिस करनी थी कि इसके साथ हमें बुक्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर कोई 3 महीने के लिए चैंपियन है तो उसके लिए अपनी कोई लेजेंडरी बुक्स अपनी बर्बाद तो नहीं करेगा ना। आई थिंक जितनी भी इसके लिए बुक्स लगती होंगी। आइए लेट्स इसको खोल के देखते। तो मैं कर रहा हूँ इसको क्लेम। और एक और चीज़ मुझे शायद नहीं पता, अगर आप एक दिन शायद मिस कर दे तो शायद ये चैंपियन आपको नहीं मिलेगा। तो अगर कोई ऐसा है जिसने ये मिस कर दिया हो और फिर मुझे बताइएगा कमेंट के अंदर कि फिर भी एक दिन छोड़ के ये दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है। जैसे अगर आपने डे 4 छोड़ दिया हो और अगले दिन आपने डे 4 को क्लेम किया हो तो आपको ये चैंपियन मिला कि नहीं मिला, आप ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आइए इसको करते हैं बैक। और एक सेकेंड, एक और चीज़ मैं सोच रहा था कि कल हमारा जो है आई थिंक चैंपियन चेस का इवेंट शायद आएगा। लेट मी सी कि आएगा कि नहीं, या अभी 12 बजे के बाद वो एकदम तो एक्टिवेट करने के लिए बताते हैं, वो तो अभी पता चलेगा नहीं। शार्ट बोलिंग तो हमारी है ही, डबल एक्स एक्यूरेट चांस है, तो रुक जाइए। अभी तक तो इसमें दिखा नहीं रहा, मे भी शायद 2 घंटे बाद दिखाए कि कल एक्टिवेट होगा, ऐसा भी हो सकता है। अगर हम निंजा को क्लेम करते कल तो शायद हमें 500 पॉइंट्स उसके भी मिल जाते। साथ साथ जो है वर्सुफ अंकल जो है हमारे, इसको भी मैंने क्लेम करना है तो इसके भी मुझे 500 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये देखते हैं हमारा चैंपियन का भाई, पहले वो तो ढूंढूं निंजा जी। ओके निंजा अंकल कहाँ हो, ये रहे हमारे निंजा अंकल। और मैं इसको देख रहा हूँ अभी लॉन्च ही हुआ है और 3022 रिव्यूज़ कैसे इसके हो सकते हैं भाई साहब, साल साल चैंपियंस यूज़ करने के बाद भी इसके रिव्यूज़ नहीं होते। और ये कौन 3,000 लोग हैं मुझे ये बताओ पहले, ये कौन 3,000 लोग हैं जिसने इसको रिव्यू किया है? क्योंकि कंटेंट क्रिएटर थोड़े बहुत हैं, 10-12 हैं, 15 होंगे, 50 होंगे, उन्होंने इसको यूज़ किया होगा, चलो ठीक है। पर ये बाकी के जो 3,000 लोग हैं ये कौन सी दुनिया के लोग हैं, मैं समझ नहीं पाया। और रेटिंग अगर देखें तो इसकी खास कुछ दी नहीं है, हर जगह 3.5 एवरेज, एवरेज घूम फिर के अगर बहुत ज़्यादा प्यार हम दे तो भी 4 तक रेटिंग है इसकी। क्लैन बॉस में थोड़ी ज़्यादा रेटिंग है। मैं स्किल्स इसकी फिर से भूल गया हूँ, आइए स्किल्स देखते हैं इसकी। और यह तो इसके अंदर बुक्ड नहीं है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये बुक्ड क्यों नहीं है। अब एक और चीज़ नोटिस करनी है कि अगर हम इसको बुक करेंगे और जब चैंपियन हमारा गायब हो जाएगा तो ये क्या होगा, मतलब ये चैंपियन यहीं पे रहेगा कि ये चैंपियन की बड़ी कंफ्यूजन चीज़ है। ये बुक समय वापस मिलेंगी अगर मैं इसको बुक करता हूँ, जैसे सपोज कि अगर मैं चाहूँ और अपग्रेड स्किल्स पे अपनी लेजेंडरी बुक्स इस पे लगा दूँ। कितनी बुक्स चाहिए, 4, 5, 6, 9 और 10, 11, 12, 13, 13 बुक्स इसके अंदर लग रही हैं। वेरी वेरी कंफ्यूजिंग थिंग्स। देखते हैं क्या स्किल्स हैं इसकी, अभी तो इसको बैक कर लूँ भाई, ताकि गलती से भाई मैं इसको बुक ना कर लूँ। क्या स्किल थी मैं खुद ही भूल गया। क्रिएट वन एनिमी हैज 50-60% चांस डिक्रीज डिफेंस। ओके चलो ठीक है, चांस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए यार A1 पे। ऑल्सो विल चैम्पियन टर्मिनेट बाई 15% वैन यूज अगेंस्ट बॉसेस। तो आई थिंक क्लैन बॉस, डूम टावर बॉस, जहाँ भी बॉस पे अगर यूज़ कर रहे हैं तो इसका टर्मिनेटर 15% बढ़ जाएगा। ओके चलो ठीक है, अटैक 3 टाइम्स।
सो के उठाऊँ मैं बस, क्योंकि अगर वाला पेज में मिस कर देता तो मैं आगे हो जाता, तो इसलिए मैं तो बाजियाँ मार रहा हूँ। तो अटैक 3 टाइम्स एट रैंडम है, 75% चांस बुक करते, 100% चांस ऑफ प्लेसिंग HP बर्न। ओके, इतना इंपॉर्टेंट HP बर्न है नहीं। एंड प्लेस परफेक्ट रॉयल बफ ऑन दिस चैम्पियन, चलो ठीक है। व्हेन यूज अगेंस्ट बॉसेस इंस्टेंटली एक्टिवेट HP बर्न डिबफ इंक्लूडिंग HP बर्न प्लेस बाय दिस स्किल। और अगर कोई और चैम्पियन है आपका HP बर्न लगाने वाला, पर HP बर्न तो ऑलरेडी एक ही बार लगता है, कोई स्पाइडर की सॉरी कोई पॉइजन की तरह आप स्टैक नहीं कर सकते HP बर्न। HP बर्न आप एक ही बार ही लगा सकते हैं, उसका कुछ ज़्यादा खास होगा नहीं। अगर ऑल एनिमीज़ पे होता तो ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि स्पाइडर के अंदर अगर आप देखेंगे HP बर्न आपकी स्पाइडर पे तो डैमेज करता ही, अगर उसके सारे के सारे छोटे छोटे स्पाइडर लिंक्स के अंदर अगर आप HP बर्न लगाते हैं तो भाई साहब उसकी बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं HP एकदम से कम हो जाती है। तो आई थिंक इस पे ऑल एनिमीज होना चाहिए था। और लेट्स सी अब नेक्स्ट स्किल के देख, कैन स्लैश अटैक ऑल एनिमीज है, 75% चांस ऑफ प्लेसिंग फ्रीज। अगर आप बुक करते हैं 100% आपको मिल जाएगा मौका, पर पता नहीं मैं इसको बुक क्यों करेंगे, पर इसकी और डिटेल मुझे निकालनी पड़ेगी, फिर जाके मैं आपको और अच्छे तरीके से बता पाऊंगा कि ये बुक्स का क्या हिसाब है। वन अटैकिंग द बॉसेस विल ओनली अटैक बॉस नॉट ऑल एनिमीज, विल इग्नोर 50% ऑफ टारगेट डिफेंस, विल ऑल्सो डिक्रीज द कूल डाउन ऑफ हेल बर्न। ओके, तो ये 3 टर्न कूल डाउन पे है, कूल डाउन अगर इसका इस पे 3 टर्न अगर ये वाले टर्न यूज़ करेंगे बॉस के ऊपर, तो आई थिंक अगर स्पाइडर पे यूज़ करेंगे, क्योंकि स्पाइडर तो शुरू ही होता है बॉस से, तो उसका जो है 50% डिफेंस जो है ये इग्नोर कर देगा, और साथ में उसका HP बर्न भी वो कर देगा, क्या कहते हैं या एक्टिवेट। आई थिंक अगर आप इसको अच्छी खासी स्पीड देनी पड़ेगी ताकि 2 बारी कम से कम ये चले और इसकी बारी जो है आ जाए। तो बात करते हैं इसके पैसिव की, और पैसिव क्या था, एस्केलेशन इंक्रीज निंजा अटैक बाय 10% और 100% तक पहुंच जाएगा, क्रिटिकल डैमेज भी 5 से 25 हो जाएगा ईच टाइम्स एनिमी इज हिट बाय ऑल 3 निंजा स्किल्स। ओके, अगर आप स्पाइडर पे यूज़ करेंगे तो अगर खाली इसी को यूज़ करेंगे तभी ऐसा हो सकता है, और बॉस पे कौन सा होगा, आई थिंक अगर आप कौन सा यार फ्रॉस्ट किंग जो है हमारे डूम टावर का बॉस, फ्रॉस्ट स्पाइडर सॉरी, उसके अंदर हाँ वो उसको मारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ही आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि HP बर्न लगाता है, 100% चांस है। और अगर आप देखेंगे अगर आप इसको बुक नहीं भी करते तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि 3 टाइम हिट करता है, 3 बारी में से भाई एक बारी तो HP बर्न जो है लग ही जाएगा, साथ से फ्री का परफेक्ट वाइल भी है ताकि जो है इसको कम डैमेज रिसीव होगा। और क्या था भाई, 8 टाइम एक्टिव सिंगल राउंड, दिस इफेक्ट कैन ओनली अकर मल्टीपल टाइम्स अगेंस्ट सेम एनिमी, ठीक है ये तो बात कर ली। व्हेन फाइटिंग विद बॉस विल इंक्रीज निंजा अटैक बाय 20% अप टू 100% और क्रिटिकल डैमेज बाय, तो आई थिंक जहाँ तक मेरा ख्याल है इसको आप खाली बॉस स्टेजेस पे ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं बॉस वाली पे थोड़ा सा हमें परसेंटेज भी बढ़ गया है, तो जल्दी से इसका 5 पारी में ही इसका आपका जो है अटैक और क्रिटिकल डैमेज हमारा 3 3 टर्न में बढ़ जाएगा। हाँ 3 टर्न में क्रिटिकल डैमेज बढ़ जाएगा मैक्स 25% और 100% आपका हो जाएगा उसके अंदर। और यहाँ देखेंगे HP बर्न तो आपको पता ही है नॉर्मल एनिमीज के ऊपर कुछ ज़्यादा इफेक्ट करता है नहीं, पर आप बॉस पे यूज़ करेंगे तभी अफेक्ट करेगा, और बॉस पे यहाँ तक मेरा ख्याल है स्पाइडर पे इतना मैं जोर नहीं डालूंगा, जो हमारा फ्रॉस्ट वाला मकड़ी वाला जो बॉस है उसी के अंदर चलेगा। साथ साथ A1 पे डिक्रीज डिफेंस है, बस ये थोड़ी ठीक चीज़ है, चांस थोड़ा यार लेजेंडरी चैंपियन पे ना थोड़ा चांस ज़्यादा होना चाहिए। एक मुझे बड़ा अच्छा लगता है एक चैंपियन है हमारा सबको पता ही, आई थिंक काफ़ी फेमस है, ऑल्टन अगर हम उसकी बात करें, या तो ऑल्टन देखिए 60% चांस है, अगर आप इसको बुक करते हैं तो 75% चांस डिक्रीज अटैक का हो जाता है, तो हाँ लेजेंडरी चैंपियन के लिए 70-80% तो A1 पे होना ही चाहिए,
स्पेशली जब वो एक ही बारी में अटैक करता हो, दो या तीन हिट्स होते हैं तो ऑब्वियसली आपके चांस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पता नहीं है, एक तो उन्होंने स्पेशल जो इतना खुशी से चैंपियन निकाला है निंजा भाई को, तो उसकी थोड़ी सी स्किल में थोड़ी बहुत एडवांटेज तो होनी ही चाहिए थी, जो मुझे कुछ ज़्यादा स्पेशल लगी नहीं है। तो अगर किसी को इसके बारे में और कुछ नई चीज़ पता हो और इस चैम्पियन के बारे में, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट आप कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड पे भी आप मुझे ऐड कर सकते हैं, वहाँ को कुछ आपको कुछ पूछना हो तो अपनी स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं चैम्पियंस के बारे में, मैं आपको डेफिनेटली आपकी हेल्प वहाँ कर पाऊँगा। तो सब एक लेता ही, वीडियो अगर पसंद आए जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।